Hey guys, I hope you are doing well. Oh, so just yesterday I said SCB round 6 sorry 8 रिलीज सक्सेसफुली एट 6 PM. ओके, तो देख लेते हैं क्या सीन रहा, क्या कट ऑफ रहा, कब तक आगे स्पोर्ट राउंड कैसे होगा, क्या नहीं होगा. तो जो है कल जो जितनी भी विजय राउंड आया था, ओके, कल 16 तारीख था. ओके, और आपको जो है फीस टाइमिंग दिया गया है वो 18 तारीख 6 बजे तक का दिया गया है. ओके गाइस, तो सबसे पहले तो अपन चेक कर लेते हैं यार जस्ट रैंकिंग के बारे में. ओके, तो क्या क्लोज रैंक रही, क्या आई थिंक 2900 कुछ गया था जनरल का. ओके, और मैक्सिमम 4000 या 4500 तक जा सकता है इस बार. ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी का 2981 और ये 2995 पे क्लोज हो चुका है. और ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हो एटलीस्ट यही गया 5500. एससी कैटेगरी का 11000 जो है 430. ओके, और ये जो 11624 एससी कैटेगरी 19000. ओके, तो एससी कैटेगरी का मैक्सिमम स्पॉट राउंड में अगर अपन बात करें तो एटलीस्ट 21-22 हजार तक चला जाएगा. पीडब्ल्यूडी की एटलीस्ट सारी की सारी सीटें भर चुकी हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है ये 8800 कुछ है. ओके, और कश्मीरी माइग्रेंट्स का यहाँ पे देख सकते हो क्या कंडीशन है अभी, 11223 ये BSMS दोनों के लिए, और जो BSMS ओनली होता है उसके लिए ये इतना गया. ओके, अब अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी का लास्ट राउंड कट ऑफ कितना जा सकता है. तो यार मैक्सिमम 4 से 4500 तक मान सकते हो. वैसे बहुत ही धीरे चल रहा है इस बार ये जो सिस्टम है. ओके, एंड जो ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हो क्या कंडीशन है, 5500 5550 तक है. एससी कैटेगरी 11000 कुछ है, एसटी कैटेगरी कुछ है, और ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम 10-11 तक जाएगा. कश्मीरी माइग्रेंट्स का ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये डिपेंड करता है सीटों के ऊपर कि कितनी सीटें बची है. ऐसा नहीं है कि यह जो हो सकता है अगर इस बार ही ईडब्ल्यूएस की सारी सीटें भर गई हो तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा, फिर ये रैंक यहीं पे सी बिलो दिखा देगा. ओके गाइस, तो डिपेंड करता है कि कितनी सीटें बची हुई है. अब देख लेते हैं कुछ शेड्यूल में कुछ अपडेट हुआ है क्या. अब एक क्वेश्चन मेजरली ये पूछा जा रहा था कि भैया ये इसके बाद डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड होगा या फिर जो है राउंड नंबर 9 होगा, राइट. ओके गाइस, तो इसके बारे में यही है कि एटलीस्ट डिपेंड करता है कि कितनी सीटें बची हुई है. अगर ज्यादा सीटें हैं तो 2 राउंड होगा, अगर मतलब चांसेस बहुत कम है राउंड नंबर 9 होने के, क्योंकि ऑलमोस्ट समय बहुत ही ज्यादा बीत चुका है. मैक्सिमम आप मान सकते हो कि मैक्सिमम 24-25 तारीख से पहले पहले सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा जो आयसर की वेबसाइट पे ही है जो है. ओके, और एटलीस्ट यार नया साल आने वाला है, दिसंबर का आधा महीना जा चुका है अभी. ओके, अब बात कर लेते हैं सीटों की कि कितनी सीटें बची हुई है. ये तो पिछले राउंड के हिसाब से दिखाया जाएगा वैसे. जो आयसर पुणे में तो बहुत पहले क्लोज हो गया था. ओके, और ये आफ्टर 7 राउंड के बाद में है, ये जो 69 सीटें थी, और ये भोपाल में 15, ये इसमें वो भी सीटें इंक्लूड है जो स्पेशल जो सीटें थी ना, दमनदीप है, लद्दाख वगैरह वगैरह जो भी होता है उसकी सारी की सारी सीटें, लक्षद्वीप वगैरह वगैरह. ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो तिरुवंतपुरम में 9 सीटें हैं सिर्फ, तिरुपति में 25 है. ओके, यहाँ पे ये भी जरूर देख लेना, जैसे भोपाल में जनरल के लिए एक भी सीट नहीं है, कोलकाता में एक भी नहीं है, मोहाली में एक भी नहीं है, तिरुवंतपुरम में एक भी नहीं है, तिरुपति में 4 है, भोपाल में 6 है. ओके, तो जनरल की टोटल सीटें कितनी हो गई, 6, 4, 10, 40 सीटें बची हुई है जनरल कैटेगरी की, और ओबीसी कैटेगरी की है एटलीस्ट 19 है, 19 और 11 ये बची हुई है. तो 30 सीटें ओबीसी कैटेगरी में है. एससी कैटेगरी के अंदर जो है 3, 2, 5, 1, 6 सीटें हैं, और एससी एसटी कैटेगरी में है 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 12, 14 सीटें एसटी कैटेगरी के अंदर है.
ओके, तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 30, 4, 40, 40 और ओबीसी के अंदर बच गई एटलीस्ट 30 सीटें, तो 70, और इसमें भी ज्यादा नहीं यार, एससी कैटेगरी में तो 6 सीटें हैं सिर्फ एसटी कैटेगरी के अंदर, तो एटलीस्ट अभी डायरेक्ट स्पॉट राउंड भी हो सकता है, कोई मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है कि राउंड नंबर 9 हो ये के, और ये तो सीटें हैं एटलीस्ट राउंड नंबर 8 में भी अलॉट की गई है। ओके, अब फ्यू चांसेस है, स्पॉट राउंड में कुछ ही सीटें बची हुई है, तो देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है, क्या सीन रहता है। ओके गाइस, यार जिन बच्चों का रैंक बहुत ज्यादा हाई है उनके एडमिशन के कोई भी चांसेस नहीं है, और ऑलमोस्ट अभी प्राइवेट कॉलेजों ने भी एडमिशन क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है, तो अपना एक सीट सिक्योर करके जरूर रखे, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सीटें ज्यादा बची हुई ही नहीं है, कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों की। ओके, तो जस्ट प्राइवेट वगैरह कांटेक्ट कर ले कॉलेजों से, ठीक है।